नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। साल 2009 से चुनावों को लेकर हम राजनीतिक भविष्यवाणियां करते रहे हैं। ईश्वर की कृपा से उनमें से अधिकांश सही रही हैं। इस साल एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रयोग यह है कि इस साल हम सीटवार राजनीतिक भविष्यवाणियां करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योतिष व अंक ज्योतिष के आधार पर बताएंगे कि किस सीट पर किसके जीतने की संभावना अधिक है। और इस क्रम में हम बात करने जा रहे हैं त्योथर विधानसभा सीट की। त्योथर विधानसभा, जिसका क्रमांक 70 है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला भाजपा के श्यामलाल द्विवेदी, कांग्रेस के रमाशंकर सिंह और बसपा की गीता मांझी के बीच है। द्विवेदी जी, पटेल साहब और मांझी महोदया के अंकों और सितारों पर चर्चा करने से पहले हम मतदान वाले दिन पर विशेष चर्चा कर लेते हैं। चर्चा थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन विस्तार इसलिए दे रहा हूँ जिससे कोई ये ना कहे कि हमने तुक्का मारा है। जो गणना होगी, सामने होगी, उससे जो नतीजे आएंगे वो स्पष्ट रूप से समझने लायक रहेंगे। सही होना या ना होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारा काम है स्पष्ट गणना करना, तो हम वो आपके सामने विस्तार से करेंगे। तो अब आपको बता दें कि हालांकि मतदान और परिणाम दोनों के दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मतदान वाला दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फैसला तो इसी दिन हो जाता है, बस घोषणा ही बाद में की जाती है। तो आइए सबसे पहले चुनाव की तारीख पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2018 को होने जा रहे हैं। दिन की बात करें तो उस दिन बुधवार है, यानी उस दिन का मूलांक 2+8=10 अर्थात 1+0=1 है। मतलब कि 28 नवंबर 2018 का मूलांक 1 है। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। ध्यान दें कि 28 का अंक 2 और 8 से मिलकर बना है। 2 का अंक चंद्रमा के स्वामित्व में आता है, जबकि 8 का अंक शनि का है। देखा जाए तो दोनों अंक मिलकर शुष्क बर्फ जैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब जब शुष्क बर्फ का नाम ले ही लिया है तो इसके बारे में बताते चलें कि यह बहुत ठंडी होती है तथा छूने पर शरीर का तापमान शीघ्र ग्रहण करके वाष्पित होने लगती है, जबकि शुष्क बर्फ भी देखने में सामान्य बर्फ की तरह, यानी कि आइस की तरह ही सफ़ेद और ठोस होती है, लेकिन इसके शरीर के संपर्क में आने पर ठंडक नहीं देती बल्कि खूब तेज जलन होने लगती है, जिससे कि फफोले तक पड़ जाते हैं। यही कारण है कि इसे हाथ से न छूकर चम्मच आदि से उठाया जाता है, रखा जाता है। इससे धीरे धीरे मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवाणुओं को मारने एवं उनकी मात्रा बढ़ने से रोकने में काम आती है। बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि इसकी मदद से बादलों को ठंडा करके जहां चाहें वहां वर्षा कराई जा सकती है। यानी चंद्र शनि की युति वाली 28 तारीख की वोटिंग यह संकेत कर रही है कि आज का मतदाता जो व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, हकीकत में वह उससे अलग निर्णय भी ले सकता है। यानी जिस प्रकार शुष्क बर्फ हानिकारक जीवाणुओं को भगाने के काम आती है, उसी प्रकार आज का मतदाता या आज मतदान करने वाला व्यक्ति दागी या निष्क्रिय रहने वाले नेताओं के विरुद्ध जाने के मूड में हो सकता है। सामान्यतः ऐसे में हमने अनुभव किया है कि सत्ता पक्ष का वोट बैंक गिरता है, ग्राफ गिरता है। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि इस दिन के अंकों का संपूर्णांक या भाग्यांक क्या है। भाग्यांक की बात करें तो 2+8+11+2+0+1+8 यानी कि 32 आ रहा है। यदि हम 11 को सीधे ना जोड़ करके 2+8+1+1+2+0+1+8 भी करें तो भी टोटल 23 आता है। उसमें 32 आया जो 3 और 2 से मिलकर बना था, इसमें 23 आया जो 2 और 3 से मिलकर बना है। हालांकि यह संयुक्तांक चंद्रमा और गुरु से मिलकर बन रहा है और इसका टोटल 2+3=5 यानी कि बुध का अंक आ रहा है। यानी चुनाव वाले दिन भावुकता, नीति और स्वार्थ से काम लेने वाली पार्टी को लाभ मिल सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो सत्तारूढ़ दल है उसमें इन तीनों कारकत्वों का सही इस्तेमाल करने के गुण पाए जाते हैं। यानी अंक ज्योतिष के अनुसार इस तारीख का जो सारांश निकल रहा है वो यह है कि पब्लिक का मिजाज सामान्यतः सत्ता के विरुद्ध जाने का रह सकता है, लेकिन
पार्टी के भावुकता नीति पर काम करने का जो तौर तरीका है और प्रलोभन से काम लेने का जो तरीका है या कार्यशैली है, उसके परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ दल काफी हद तक अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रह सकता है। अब सीधे सीधे उस दिन के अंकों की चर्चा की जाए तो आप जान लें कि उस दिन के जो अंक बन रहे हैं वो हैं 1, 5 और 5, यानी उस दिन सूर्य, बुध और बुध विशेष प्रभावी रहेंगे। सूर्य यानी सत्तारूढ़ दल, बुध यानी स्वार्थ या निजी हित, अर्थात मोटे तौर पर देखें तो यह अंक भाजपा के लिए बेहतर लग रहे हैं। आइए बात करते हैं इस पर्टिकुलर सीट के बारे में। भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल द्विवेदी जी का नामांक 3 है, कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह जी का नामांक 8 है और बसपा प्रत्याशी गीता मांझी जी का नामांक भी 8 ही है। त्योथर विधानसभा सीट के लिए दिन के अंक बन रहे हैं 1, 5, 5, 6 और 7। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्यामलाल द्विवेदी जी के लिए दिन के अंक मित्र, सम, सम, सम और सम के परिणाम दे रहे हैं, यानी कि दिन के अंक इन्हें 5 में से 3 अंक दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह जी के लिए दिन के अंक शत्रु, सम, सम, मित्र और शत्रु के परिणाम दे रहे हैं, यानी दिन के अंक इन्हें 5 में से 0 या 0 अंक दे रहे हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी गीता मांझी के नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं उनका नाम गीता मांझी मिलता है तो कहीं पर गीता मांझी तो कहीं कहीं पर गीता राजमणि मांझी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो गीता मांझी यानी कि माँ के ऊपर बिंदी वाली मात्रा लगाती हैं तो वो कमज़ोर होती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन यदि वो गीता मांझी लिखती हैं या फिर गीता राजमणि मांझी लिखती हैं तो वो बहुत तेज़ी के साथ आगे निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। नाम में कन्फ्यूज़न होने के कारण हम फिलहाल 2 लोगों पर ही गणना करने में लग जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में से बीजेपी प्रत्याशी के अंक चुनाव परिणाम वाले दिन भी बेहतर लग रहे हैं। तो ये तो रहा अंकों के माध्यम से विश्लेषण, आइए अब उस दिन के गोचर को जान लेते हैं। तो उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में राहु के साथ है, जो कि उन्माद या सनक का द्योतक होता है। ज्योतिष में रुचि रखने वाले जानते हैं कि यूपी विधानसभा 2017 का चुनाव जिस दिन शुरू हुआ था, यानी कि 11 फरवरी 2017 के दिन भी चंद्रमा और राहु साथ ही थे। ऐसी स्थिति से हुआ आगाज उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार के लिए कैसा रहा ये सभी जानते हैं। हालांकि इस मामले में एक फर्क है, फर्क यह है कि तब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था और इस मामले में शनि के नक्षत्र में है, यानी इस मामले में स्थिति उतनी आर पार वाली नहीं होगी, लेकिन ग्राफ गिरने की संभावनाएं तो दिख ही रही हैं। अतः पब्लिक का मूड थोड़ा थोड़ा सनक के करीब तो रहेगा, लेकिन समझदारी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। अर्थात पुष्य नक्षत्रचारी चंद्रमा कर्क राशि में राहु के साथ रहेगा, अतः सत्ता पक्ष का वोट प्रतिशत कम हो सकता है, वोट बैंक कम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्यामलाल द्विवेदी के नामाक्षर के अनुसार इनकी कुंभ राशि होगी और उसके अनुसार मतदान वाले दिन चंद्रमा इनके 6ठे भाव में रहेगा, जो कि कंपटीशन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा कहा गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह के नामाक्षर के अनुसार जो उनकी राशि बन रही है वो तुला राशि होगी और उसके अनुसार मतदान वाले दिन चंद्रमा उनके 10म भाव में रहेगा, जो मान सम्मान और विजय से जुड़े मामलों के लिए चंद्रमा का यह गोचर अच्छा माना गया है। अतः गोचर के अनुसार मामला बराबरी पर लग रहा है। परिणाम वाले दिन चंद्रमा का गोचर श्यामलाल जी के 2 भाव में रहेगा, जो कि खराब है, तो वहीं रमाशंकर जी के 4 भाव में रहेगा, ये भी ठीक नहीं माना गया है, यानी कि दोनों की ही गोचर की स्थिति परिणाम वाले दिन ठीक नहीं है, अतः यहाँ से भी मामला बराबरी का लग रहा है। सारांश यह कि टक्कर बड़ी सशक्त लग रही है। ज्योतिष में दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में श्यामलाल जी थोड़े से बेहतर हैं। ध्यान रहे कि अगर रमाशंकर सिंह जी रमाशंकर पटेल लिखते हैं तो परिणाम अलग हो सकते हैं। हमने जो कैलकुलेशन की है वो रमाशंकर सिंह के अनुसार की है, लेकिन यदि वो सिंह लिखते हैं तो गणना यही रहेगी। खैर, अब क्योंकि हम वहाँ के हालात को प्रैक्टिकली भली भांति नहीं जानते हैं, अतः इन दो नामों के आधार पर हम यही कहेंगे कि हम श्यामलाल जी के साथ कुछ बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर गीता मांझी दौड़ में हैं तो वो आगे निकल सकती हैं, बशर्ते वो मांझी नहीं बल्कि मांझी लिखती हूँ तो।
ऐसी स्थिति में उन्हें हल्के से लेना औरों पर भारी पड़ सकता है। मुझे लगता है कि आप सीधे सीधे शब्दों में एक नाम सुनने के इच्छुक हैं, तो ऐसी स्थिति जो पेचीदगियां हैं उसका उल्लेख मैंने किया है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूँगा कि अंकों व ग्रहों के इशारों को समझने में मैं अगर कामयाब हो पाया हूँ तो भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल द्विवेदी जी की स्थिति को हम बेहतर कह सकते हैं। ध्यान रहे कि यह एक अनुमान है, परिणाम जो भी होंगे वो 11 तारीख को सबके सामने होंगे। इसके आधार पर किसी को बहुत ज़्यादा खुश होने की या किसी को बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप सभी अपने अपने अनुभव के आधार पर कयास लगाते हैं, हमने ग्रहों के आधार पर कयास लगाने की कोशिश की है। इस कोशिश में मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ ये तो 11 तारीख को पता चल जाएगा। अतः इस फलादेश को आप मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, इसके आधार पर किसी को प्रभावित होने या किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि यह एक ज्योतिषीय गणना है, यानी कि मात्र और मात्र अनुमान है, कयास है, अंतिम परिणाम तो ईश्वर के हाथ में होते हैं। हमारा उद्देश्य किसी के वोट को प्रभावित करना बिल्कुल नहीं है। साथ ही निवेदन यह भी है कि वोट जरूर किया करें और कोशिश करें कि अच्छे व जिम्मेदार व्यक्ति को वोट दें। अच्छे व्यक्ति ही दल को अच्छा बनाते हैं और अच्छे दल ही देश हित में काम करते हैं। खैर, इस निस्वार्थ संदेश के बाद आइए बात कर लेते हैं अपने स्वार्थ की। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष ही हमारी आजीविका का साधन है, अतः अगर हमसे परामर्श लेने की इच्छा जागी तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक छोटी सी फीस जमा करके और समय लेकर के हमसे आप बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल विप्रांजलि टीवी को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ ही वेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे अपडेट्स आपको फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।